हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट लिटिल गार्डन। और ये देखिए, ये जो प्लांट है रिवेनिया स्पेक्टेबिलिस का प्लांट है, कॉमनली इसे लिमोनिया भी कहा जाता है। ये जो प्लांट है ये क्यूबा का नेटिव है। क्यूबा ब्राज़ील एरिया में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है और हमारे इंडिया में भी ये बहुत अच्छी तरीके से अडाप्ट कर गया है। और ये जो प्लांट है ये एक परमानेंट प्लांट है, एक बार आप लगाते हैं तो ये सालों साल आपके घर में चलता रहता है। ये जो प्लांट है ये फरवरी से लेकर अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और बहुत अच्छी तरीके से ये फ्लावरिंग करता रहता है। ये जो प्लांट है ये एक एक्जोटिक रेयर और अनकॉमन सा प्लांट है, हर नर्सरीज में ये नहीं मिलता। तो ये रेयर क्यों है, तो इसका जो प्रोपोगेशन है वो थोड़ा सा हार्ड है, जैसे कि इसमें सीड्स बनते हैं लेकिन सीड्स अच्छी तरीके से जर्मिनेट नहीं होते या फिर जर्मिनेट होते ही नहीं, ये स्टेम कटिंग से भी नहीं लगता। तो इसे जो है एयर लेयरिंग से प्रिपेयर किया जाता है। और ये जो प्लांट है मेरे पास 2.5 साल से है और इसकी जो हाइट है वो नियरली 4.5 फीट से लेकर 5 फीट तक है। जब भी आपको ये प्लांट नर्सरीज में मिलता है, अगर प्लांट छोटा होता है तो छोटे पॉट में लगाइएगा, प्लांट अगर बड़ा है तो बड़े पॉट में आप इसे लगा दीजिएगा। इस प्लांट के लिए सॉइल जो है वो वेल ड्रेन लीजिएगा और उसमें जो पॉटिंग मिक्स है वो 50% सॉइल, 30-35% सैंड और अदर जो है कंपोस्ट, निमखली, फंगीसाइड, थोड़ा सा बोन मिल है तो वो भी डाल दीजिएगा, सीवीड एक्सट्रैक्ट है तो वो भी डाल दीजिएगा। और इसमें अप्सम साल्ट अगर आप रेगुलरली थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे तो इसकी पत्तियां जो है इसी तरीके से लश ग्रीन दिखती रहेंगी। और ये जो प्लांट है ये उड़ी प्लांट है, ये श्रब भी है और उसके साथ इसकी ब्रांचेज जो होती है उड़ी होती है। ये प्लांट मेरा बड़ा है तो आपको लगता होगा कि उसकी वजह से ये उड़ी है, लेकिन ये प्लांट जब छोटा भी रहता है तभी भी उसकी ब्रांचेज जो है उड़ी ही रहती है, सिर्फ जो टिप रहती है वही ग्रीन रहती है, अदरवाइज जो अदर इसके ब्रांचेस है वो उड़ी ही रहते हैं। इसके लीव जो है ये इस तरीके से 3 लीफलेट में होती है और लीफ जो है बहुत ही लश ग्रीन और शाइनी स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर। मेरे जो अदर प्लांट है उनमें से सबसे ज्यादा ग्रीन दिखने वाला यही प्लांट है, इसीलिए मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है और ये एवर ग्रीन रहने वाला प्लांट है। इसके लिए जो सनलाइट है वो आप पार्शियल टू फुल सन भी इसे रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही मार्च का महीना आता है ज्यादा धूप बढ़ती है आप इसे शेड प्रोवाइड कीजिएगा, ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। पानी जो है इसको मेंटेन ही दीजिए।